हेलो, कैसे हैं बच्चों? लॉ में मजबूती और लॉ में पकड़ अगर आपके पास है तो यू कैन बिकम अ हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरी। कोई भी नहीं रोक सकता आपकी सफलता की डगर, बस लॉ में बना लेनी है आपको अपनी पकड़। सो बच्चों, यस, जो उस बंदा जो कंपनी सेक्रेटरी जिस कंपनी सेक्रेटरी के बारे में मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई वो बंदा 3 से 5 करोड़ रुपए का पैकेज कमा रहा है, वो बंदा बड़ी बड़ी कंपनी के मर्जर और अमलगमेशन में क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। सो बच्चों, वो बंदा आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या बन के बैठा है, चेयरमैन बन के बैठा है। वो बंदा आज आईटीसी का कंपनी सेक्रेटरी बन के बैठा है। वो बंदा आज एलएनटी का कंपनी सेक्रेटरी बन के बैठा है। बच्चों, इट इज मंडे मोटिवेशन। और यू नो, आपको अगर लाइफ में एक सीएस बनना है, और सीएस तो छोड़ दीजिए, एक बहुत हाईएस्ट अर्निंग सीएस बनना है, तो आपको एक ही चीज करनी है। यस, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको सीएस बनना है। ऑब्स्टिकल बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, नेगेटिविटी बहुत है, आपके मन को भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं, सब कुछ बहुत ही बहुत है। अगर कोई एक चीज लिमिट में है तो बच्चों वो लिमिट रखिए अपने सोच के ऊपर। और मैं कह रहा हूं कि सोच के ऊपर लिमिट रखना है, मतलब अपनी लिमिट, अपनी सोच एकदम फोकस रखनी है। बच्चों, ये सब मैं हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में बात कर रहा हूं। आप गूगल पे लिखिए हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज कौन है, और बच्चों उन सब में एक ही चीज आप कॉमन पाएंगे, बच्चों दे आर विजार्ड, दे आर एक्सपर्ट। बच्चों, दे जस्ट प्ले विथ लॉ। वो लॉ के साथ क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि यू कैन, कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो इफ यू वांट, इफ यू रियली वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी द हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरी, यू वांट टू चेंज योर लाइफ, आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, आपको अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करना है, कुछ ऐसा करना है जिसे लोग देख के बोले कि ये देखिए वही है जो एक टाइम पे 10-10 रुपए के परेशान होते थे, और आज देख कहां से कहां पहुंच गया। सबसे पहली चीज तो है आपको सीएस करना है। और सीएस कैसे करना है बच्चों, सिर्फ सीएस करने वाला बच्चों ऐसा नहीं कि लाइफ में सब कुछ पाले अपनी डिग्री के बिना पे, अपनी डिग्री के दम पे, नहीं, सीएस करना है और लॉ के ऊपर बहुत तगड़ी पकड़ बनानी है। यू जस्ट नीड टू प्ले विथ लॉ, खेलना है इसके साथ, लिया करना है इसके साथ। एंड यू नो, एक बार आपके पास लॉ के ऊपर पकड़ आ गई, यू नो, चीजों को आप इंटरप्रीट करना सीख गए बच्चों, देन यू सी कि हाउ थिंग्स चेंज, चीजों में परिवर्तन कैसे आता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कि भाई लॉ में एक पकड़ बनाओ। जब लॉ पढ़ते हो ना, तो ऐसा पढ़ो कि ये मैं एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं मैं 500 करोड़ कमाने के लिए, ये पढ़ रहा हूं मैं 50 करोड़ कमाने के लिए, ये पढ़ रहा हूं मैं लाखों करोड़ों की डील करवाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। जब ये मान के अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो सी हाउ थिंग्स चेंज। बच्चों, मैं एज अ लॉ टीचर, मैं बिल्कुल लॉ के प्रोविजन को फाड़ देता हूं बच्चों, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही करता हूं बच्चों, कि आपने कमाल करना है लॉ के साथ, आप बस आपको खेलना है लॉ के साथ, यू नीड टू लव इट, एंड देन यू सी। बच्चों, आज अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो सब लोग बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं, एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। कोई पीडब्ल्यूसी में बैठा है, कोई ऑथर बन के बैठा है, समवन इज यू नो, कोई मर्चेंट बैंकर के यहां पे काम कर रहा है। बच्चों, दे आर जस्ट डूइंग फिनोमिनल, मतलब सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, शायद उनमें एक दिक्कत है कि वो अभी भी लॉ के ऊपर पकड़ नहीं बना पाए हैं, चाहे मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं या मैं किसी भी स्टूडेंट की बात करूं। सो बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, इट्स रियली ग्रेट टू बी हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरी। बच्चों, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, याद रखिए लॉ रूल्स चेंज हो रहे हैं। बच्चों, मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं, किसी को शांति से नहीं बैठने दे रहे हैं। बच्चों, रूल्स कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहे हैं। अभी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2019 पार्लियामेंट में रखा गया है, तो मैं वही बता रहा हूं बच्चों, यू नो, घुस जाइए इस जगह पे बच्चों, क्योंकि आपने सीएस जब किया था तब आपने क्या सोचा था कि यार। और बच्चों, जब मैं ये कहूं कि लॉ में आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब बाकी के सारे सब्जेक्ट, टैक्स भी एक लॉ है, आपको ये भूलना नहीं है, टैक्स भी एक लॉ है, एफएम सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, वो स्टॉक मार्केट में आपको किंग बनाएगा। अकाउंट्स और कॉस्ट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट आपको साइन करनी होती है, इसलिए यू नीड टू नो एवरीथिंग, जो भी आपके सिलेबस में है आपको जानना है बच्चों, क्योंकि वही चीजें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। सो प्लीज बच्चों, एक नॉर्मल इंसान नहीं बनना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, लाइफ में बहुत तरक्की करना है। तो आज आप सब मेरे साथ बोलेंगे कि यस यस, आई एम द हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरी, आई विल बी द हाईएस्ट अर्निंग कंपनी सेक्रेटरी, आई एम द बेस्ट, एंड मैं मैजिशियन हूं लॉ का। आपको ये सब बोलना है, और फ्यूचर में
टीचिंग में भी आप कौन है बच्चों, आप में से कई लोग टीचिंग में आना चाहते होंगे, डेफिनेटली मैं आप सबका स्वागत करता हूं टीचिंग में, ये बहुत अच्छा फुलफिलिंग जॉब है, मजा आएगा आपको, बट जस्ट एक बार लॉ के साथ खेलना सीख जाइए बच्चों, और खेलिए, पढ़िए बार बार, प्रोविजन को पढ़िए बार बार पढ़िए, एंड यू जस्ट सी हाउ द थिंग्स वर्क, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, तो कसम खा लीजिए बच्चों, यू हैव टू बी द बेस्ट।